नमस्कार। कुरुक्षेत्रकरण कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के संगठन की। जी हां, हरियाणा की एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता जहां प्रत्याशी घोषित होने के तुरंत बाद से यहां सक्रिय हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक माने जाने वाले संदीप पाठक कैथल व कुरुक्षेत्र पहुंचे और इस सीट की जमीनी जानकारी हासिल की। कैथल से संदीप पाठक ने जुल्म का जवाब वोट से एक विशेष कैंपेन शुरू किया। आप संगठन इतना गंभीर नजर आ रहा है कि इस कैंपेन को घर घर पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। न केवल संदीप पाठक ने इस कैंपेन को कैथल से लॉन्च किया, बल्कि पार्टी के प्रदेश भर से आए ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया। पार्टी प्रत्याशी कार्यालय में पहुंचे लगभग 600 ऐसे कार्यकर्ताओं को संदीप पाठक ने मेहनत की घुट्टी पिलाई, जो लोगों को घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या पार्टी के अन्य मुद्दे उनकी जानकारी दे रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं को बताया कि जुल्म का जवाब वोट से जो कैंपेन शुरू किया गया है, उसे कैसे आम जन तक पहुँचाना है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव का मुद्दा बनाना है, किस तरह से इस मुद्दे पर पार्टी को सहानुभूति बटोरनी है ताकि यह सहानुभूति वोटों में तब्दील हो सके। आपको बता दें कि संदीप पाठक ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। संदीप पाठक ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को संघर्ष का रास्ता बताया। इस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं और पार्टी के कैंपेन को यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। उस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र संसदीय सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी कुरुक्षेत्र में दौरा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कैथल व विशेष रूप से गुलाचिका में भी उनका दौरा करवाए जाने की जानकारी मिली है। अब देखना होगा कि पार्टी संगठन को लोकसभा चुनाव में इस कैंपेन का कितना लाभ मिलता है। दूसरी ओर अगर बात करें भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल की, तो नवीन जिंदल ने भी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वे हरियाणवी अंदाज में लोगों से मिल रहे हैं। आप भी सुनिए कैथल दौरे पर पहुंचे डॉक्टर संदीप पाठक ने क्या कहा। इनको ये लगता था कि केजरीवाल को जेल में बंद कर लेंगे तो उसका प्रचार रुक जाएगा। ओ मति मंद, अब तो केजरीवाल को हिलने की भी जरूरत नहीं है, उसका ये फोटो ही प्रचार कर रहा है। कई लोगों को ये लगता है कि ये भाजपा वाले हैं, ये फलाने वाले हैं, ये ढिक में। आजकल अंदर से सारे केजरीवाल वाले हैं, वो तैयार बैठे हैं। ऊपर के प्रारूप में मत जाना पहले कौन क्या था, आज जो भी पहले जो भी रहा हो, अंदर से सब केजरीवाल मैं हो चुका है। तो आज के बाद से गुप्ता जी, जो हमारी यात्राएं होंगी वो संकल्प यात्रा होगी, जो सभाएं होंगी वो संकल्प सभा होगी, जो मीटिंग होगी वो संकल्प मीटिंग होगी। आप अपना घर बार छोड़ के अपने पैसे से अपना पसीना बहा रहे हो इतनी गर्मी में। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप कभी ये मत सोचना कि बेकार में जा रहा है। ऊपर वाला देखते रहता है, इंसान गलती कर जाता है, मैं गलती कर जाऊँगा, गुप्ता जी गलती कर जाएंगे, पार्टी गलती कर जाएगी, लेकिन ऊपर वाला गलती नहीं करता है। वो किस्मत पे लिख देता है कि जहां जहां तेरा पसीने का बूंद गिरा है वहां वहां तेरा नसीब लिखा जाएगा और वो ऊपर वाला लिखता है। जुल्म का जवाब